नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हैवान की और उसकी हैवानियत की जिसने पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित कर दिया। जी हाँ, आदिवासी समुदाय के एक पति पत्नी की यह कहानी है जो इंदौर के स्कीम नंबर 71 में रहते थे। और इस पूरी कहानी में जो निर्दयता का पक्ष सामने आया है, जो बेरहमी का पक्ष सामने आया है, जो हैवानियत का पक्ष सामने आया है, और जो पूरी कहानी है वह बहुत चौंकाने वाली है और वह साबित करती है कि हमारे समाज में क्या क्या घटित हो रहा है। किस्सा यह है कि पति पत्नी दोनों ही शराब पीते थे। आदिवासी समुदाय के लोग, महिलाएं पुरुष सामान्यतः शराब पीते ही हैं और शराब पीने का उनमें चलन भी है। एक रात दोनों शराब पी रहे थे और इसी दौरान दिन में उसकी पत्नी को यह पता चला था कि उसके पति के किसी और से भी संबंध है, यानी उसकी पत्नी उसके पति की कोई प्रेमिका भी है। और इस बात का उल्लेख करते हुए उसने अपने पति को चेतावनी दी कि वह उससे संबंध तोड़ ले। पति जो कि शराब पिए हुए था, पत्नी भी शराब पी हुई थी। पति इस बात पर गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट के दौरान उसने अपने बेल्ट से भी पत्नी के साथ मारपीट की और उसके बाद बेल्ट का जो टूटा हुआ हिस्सा था वो पत्नी के प्राइवेट पार्ट में उसने डाल दिया। पत्नी के प्राइवेट पार्ट में वो हिस्सा धसाने के बाद वह शराब पी हुए था और वह पत्नी को पीटकर घर से भाग भी गया। पत्नी को यह समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसे यह जरूर समझ में आया कि पति ने कुछ अवांछित वस्तु उसके प्राइवेट पार्ट में रखी है। कुल मिलाकर पत्नी ने उसे निकालने की भी कोशिश की लेकिन वह उसमें सफल नहीं रही। और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कई बार उसे पेट में दर्द हुआ, उसे ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इन्फेक्शन उसको हो गया था, इन्फेक्शन बढ़ता रहा। लगभग 2 साल तक यही स्थिति बनी रही। उस पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जब उसकी हालत बेहद गंभीर होने लगी तो फिर वह अस्पताल गई और MY अस्पताल में पहुंचने के बाद उसने डॉक्टरों को अपना पूरा मामला बताया। इसी बीच पुलिस केस भी बना, पुलिस ने भी उसमें शिकायत की। पुलिस ने उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह से उसके साथ क्या हुआ है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब डॉक्टरों ने उसका एक्सरे किया तो उसमें मोटरसाइकिल का हैंडल उसके प्राइवेट पार्ट में खा हुआ था और एक्सरे में साफ साफ नजर आ रहा था उसकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। डॉक्टरों की एक पूरी टीम उसका ऑपरेशन करने के लिए जुट गई और अंततः मोटरसाइकिल का वह हैंडल उसके प्राइवेट पार्ट से निकाल लिया गया। डॉक्टरों की टीम ने इसमें कोई दो मत नहीं कि उस महिला की जान बचाई, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसके पति ने जो उसके साथ हैवानियत की है वह बेहद ही भयावह है, डरावनी है। और कुल मिलाकर यह पूरी कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किया है, उसके पति की तलाश भी की जा रही है। पत्नी भी कह रही है कि पति बेहद जल्लाद है, निर्दयी है, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाए। उसने उसकी जान जोखिम में डाल दी थी, वह मरते मरते बची है। तो यह पूरा घटनाक्रम इस तरह से था कि किस तरह से यह रिश्ता जो कि पति पत्नी के बीच था और किस तरह से किस निर्दयता के साथ उसने अपनी पत्नी के साथ जो व्यवहार किया और वो पूरा मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।